उदाहरण छह, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नौ व रेखा x बराबर अंडर रूट दो वाई तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले चित्र बनाते हैं। हमने एक्सिस बनाए, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नौ। स्पष्ट है कि ये वृत्त का केंद्र जो है वो है जीरो जीरो और रेडियस क्या है अर्थात त्रिज्या बराबर है तीन इकाई, क्योंकि ये तीन का स्क्वायर हो रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यदि वृत्त का समीकरण हो तो ए वृत्त की त्रिज्या होती है। तो हमने एक वृत्त बनाया, ये हमारा वृत्त है, ये बिंदु तीन कॉमा जीरो होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तीन है, ये हमारा मूल बिंदु है जीरो जीरो। अब हम एक्स बराबर अंडर रूट दो वाई इस सरल रेखा को देखते हैं। तो इस सरल रेखा का स्पष्ट है कि ये मूल बिंदु से गुजरेगी, ये सरल रेखा इस प्रकार से होगी। मान लिया ये वृत्त को बिंदु P पर काटती है, तो यदि मैं P बिंदु से X अक्ष पर लंब डालूं, हमें प्रथम पाद की ही क्षेत्रफल को ही ज्ञात करना है, तो हमारा जो अभिस क्षेत्रफल होगा वो तो ये होगा, ये हमारा क्षेत्रफल होगा, एक तो ये वाला जो कि रेखा रेखा के साथ X अक्ष बना रहा है और एक होगा ये वृत्त के लिए जो कि ये क्षेत्रफल है। इन दोनों का योग हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा जो कि प्रथम पाद में परिबद्ध हो रहा है। ये हमारा समीकरण है x बराबर अंडर रूट दो वाई, ये सरल रेखा का समीकरण है, जबकि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नौ है। अब p बिंदु के मुझे निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो p बिंदु के निर्देशांक मैं किस प्रकार से ज्ञात करूं ताकि मैं इस बिंदु को ज्ञात कर सकूं। ये बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं क्योंकि जब मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब सरल रेखा का समीकरण का उपयोग होगा x अक्ष के साथ यहां तक और फिर होगा वृत्त का समीकरण का उपयोग यहां से और इस बिंदु तक। तो मैंने p बिंदु का समीकरण ज्ञात करना है, तो हमारा रेखा का समीकरण तो है x बराबर अंडर रूट दो वाई। इन दोनों यदि समीकरणों को मैं हल करूंगा तो मैं प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकता हूं। x बराबर अंडर रूट दो वाई यहां पर रख दिया, ये हो गया दो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नौ। दिस इंप्लाइज तीन वाई स्क्वायर बराबर नौ, वाई बराबर हो गया तीन प्लस माइनस अंडर रूट, वाई का मान प्लस माइनस अंडर रूट तीन हो गया। अब मैंने y का मान इस समीकरण में पुनः रख दिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर तीन, अर्थात x स्क्वायर प्लस तीन बराबर नौ जो हमें देता है x स्क्वायर बराबर छ, इसलिए x बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट छ। अर्थात हमारे दो बिंदु निकल रहे हैं, एक बिंदु तो कौन सा है, एक बिंदु तो है जबकि मैं अंडर रूट छ लूं और अंडर रूट तीन लू, एक बिंदु तो ये, दूसरा बिंदु क्या है जबकि मैं माइनस का अंडर रूट छह लू और माइनस का अंडर रूट तीन लू। ये हमें सरल रेखा और वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए, ये हमारे प्रतिच्छेदित बिंदु के निर्देशांक हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ये हैं। स्पष्ट है कि यह सरल रेखा भी इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही, तो इस बिंदु के निर्देशांक तो हमारे क्या हो गए अंडर रूट छ इंटू कॉमा अंडर रूट तीन, और इस बिंदु के मान लिया ये बिंदु P डैश है, इसके निर्देशांक होंगे माइनस अंडर रूट छ माइनस अंडर रूट तीन। अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें प्रथम चतुर्थांश में ही जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो पहले पाद में ही ज्ञात करना है। तो अब मेरे इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकता हूं, अंडर रूट छह एक्स निर्देशांक यहां पर है, तो ये बिंदु होगा अंडर रूट छह कॉमा जीरो।
इस बिंदु के निर्देशांक। तो O मूल बिंदु है, मान लिया ये बिंदु M है, ये बिंदु A है, ये बिंदु A मान लिया मैंने जो 3,0। तो हमारा जो अभिस क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इधर से इसको मिटा देते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है बराबर इंटीग्रेशन मुझे करना है जीरो से अंडर रूट छह तक, जीरो से अंडर रूट छह तक, ये तो मुझे करना है रेखा के साथ, क्योंकि यहां ऊपर रेखा है वाई डीएक्स, y dx इसमें रेखा के समीकरण में y का मान कितना है x अपॉन अंडर रूट टू, तो x अपॉन अंडर रूट टू dx ये मेरा हो गया, प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट छह से और तीन तक, यहां पर x निर्देशांक तीन है, तो अंडर रूट छह से तीन तक मुझे क्या ज्ञात करना है, ये वृत्त के साथ ज्ञात करना है। तो वृत्त के साथ जो y है उसको मैं ज्ञात कर सकता हूं, मैं इस समीकरण को लेता हूं, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, y बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया dx, ये मेरा मान हो गया। पुनः इस बात को समझ लें, देखो रेखा के साथ, ये तो वृत्त के साथ है, रेखा के साथ जीरो से अंडर रूट छ ये मैंने ले लिया है, क्योंकि तो रेखा ऊपर है, तो एक्स वाई का मान यहां पर क्या है, वाई का मान हो गया वाई एक्स अपॉन अंडर रूट टू डीएक्स। अब वृत्त आ गया, वृत्त के साथ जो डीएक्स बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, अंडर रूट छह से तीन तक, अंडर रूट छह से तीन मैंने लिमिट ले ली, वाई का मान लिख दिया, जो वृत्त है उसके समीकरण से वाई का मान निकाल लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो वृत्त के साथ हो गया, ये रेखा के साथ हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वन अपॉन अंडर रूट टू तो बाहर आ गया, एक्स का एक्स डीएक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट क्या हो गई जीरो से अंडर रूट छह, प्लस ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र है, सूत्र यहां लिख लेते हैं, हमारा सूत्र क्या है, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी से हमें यहां पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये निश्चित समाकलन हम ज्ञात कर रहे हैं, तो मान कितना हो गया एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर हमारा कितना है 9, तो 9 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अर्थात एक्स बटा 3, लिमिट हमारी है अंडर रूट 6 से 3 तक, ये हमें प्राप्त होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको भी हम मिटा सकते हैं, इसको भी हमने मिटा दिया, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसको भी मिटा सकते हैं, अब हम इसको सरल करते हैं, तो सरल करने से हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन टू रूट टू तो बाहर आ गया, एक्स के स्थान पर मैंने अंडर रूट छह लिखा, तो यहां क्या मिल गया मुझे छह, और जब जीरो रखा तो मान आ गया जीरो, तो छह माइनस जीरो यहां मुझे प्राप्त होता है, प्लस अब मैं एक्स के स्थान पर पहले तीन रखता, 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3, ये मुझे प्राप्त हुआ जब मैंने x के स्थान पर 3 रखा, माइनस किया, अब x के स्थान पर अंडर रूट 6 रखना है, तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 6/2 इंटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 6 आ गया प्लस 9/2 साइन इनवर्स अंडर रूट 6/3, ये मुझे प्राप्त हुआ। सरल करें इसको तो ये मान हो गया 3/√2, यहां पर आ गया मल्टीप्लाई करने से,
प्लस ये मान 9 माइनस 9 हो रहा है तो ये 0 हो गया, तो 9 बटा 2 साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2, ये मैंने पाई बाई 2 लिख दिया, माइनस यहां क्या आ गया 6 का अंडर रूट 3 बटा 2, ये मुझे प्राप्त हुआ अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 9 बटा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 6 बटा 3, ये मैं प्राप्त करता हूं। अब देखो ये अंडर रूट 6 मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो मैं इसको यहीं पे कर दूं, अंडर रूट 6 को मैंने लिख दिया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, और इस 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसा लिख सकता हूं, तो मेरे का कैंसिल हो गया, ये तो यहां से कैंसिल हो गया। अब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 तो हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 2, ये यहां पर भी है तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, ये 3 बटा अंडर रूट 2 ही है तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 पाई बटे 4, यहां तो आ गया 9 पाई बटे 4, इधर देखें माइनस 9 बटा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, और इस 3 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो रहा है, मान कितना आ गया। अब मैं इसमें से 9 बटे 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो 9 बटे 4 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 9 बटे 4 कॉमन लेने से पाई बचा, यहां तो आया पाई माइनस, अब यहां 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगी साइन इनवर्स अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3, ये बच गया, ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा, इतने वर्ग इकाई हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है, जो कि वृत्त का समीकरण ये है, रेखा ये है, और एक्स अक्ष से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है प्रथम पाद में, अर्थात जिसको मैंने शेडिंग से दिखाया हुआ है, उसका मान 9 बटे 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 वर्ग इकाई है।